क्या तुम इस खतरे को देख पा रहे हो, इस डेंजर को देख पा रहे हो, या तो तुम इसको टाल रहे हो, या फिर तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम इसका सामना कर सको, इस खतरे का, इसलिए तुम इससे एस्केप कर रहे हो। खतरा सामने है, डेंजर सामने है, और अगर तुम एक बार डेंजर को देख लोगे, खतरे को देख लोगे, तो कहानी खत्म हो जाएगी वहां पर। अगर तुम सामने देख रहे हो कि सामने शेर है, सामने एक जहरीला सांप है, तो तुम वहां नहीं जाओगे। और इसे डर नहीं कहते हैं, इसे इंटेलिजेंस कहते हैं। खतरा जो मैं इस टाइम देख रहा हूं, वायलेंस का खतरा, जो कि बहुत डेंजरस खतरा है, और हम ह्यूमंस, हम अपने आप को ह्यूमंस कह दें, लेकिन वो एक ट्रेड जो हमने एनिमल से ली है वायलेंस की, वो अभी भी पैरल हमारे साथ है। एक तरफ अमृतपाल सिंह खालिस्तान की मांग कर रहा है, एक तरफ बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री वो मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की। फिर कोई मांग करेगा बुद्धिज्म की, कि जो बौद्ध हैं, जो बुद्ध हैं, उनको लेकर भी एक राष्ट्र होना चाहिए। क्या ये डिविजन्स, क्या ये जो कन्फ्लिक्ट है, क्या आप इसको हूबहू देख पा रहे हो? ये बहुत बड़ा डेंजरस, बहुत खतरनाक चीज जो है वो यहां पर मंडरा रही है इस टाइम। वायलेंस इज द लास्ट ऑप्शन, क्या ये सही है? हम क्या सीख दे रहे हैं आने वाले जनरेशन को, अभी इस वक्त लोगों को, ह्यूमैनिटी को, इंसानों को? वायलेंस इज द लास्ट ऑप्शन, वायलेंस लास्ट ऑप्शन होता है। लेकिन हमने सीख तो दे दी वायलेंस की, कि वायलेंस तो करना पड़ेगा एनिमल्स की तरह। ह्यूमंस बनना तो हमने सीखा ही नहीं। अगर तुम दुनिया में देखोगे, जितने भी वॉर्स हुए हैं, युद्ध हुए हैं, जितने भी मैसिव लेवल पर जो भी खून खराबा हुआ है, दो चीजों का बहुत बड़ा हाथ है, एक नेशनलिज्म, एक राष्ट्रवाद, और एक धर्म, एक रिलीजन। और मैं किसी को कोट नहीं करूंगा यहां पर कि किसकी क्या सोच है नेशनलिज्म को लेकर, किसकी क्या सोच है धर्म को लेकर। मैं चाहता हूं तुम खुद देखो, डायरेक्ट देखो, खतरे को साफ साफ देखो, किसी के चश्मे से नहीं, किसी आइडियल के चश्मे से नहीं, खुद इस दुनिया में जितने भी डेंजरस वॉर्स हुए हैं, दो चीजें, रिलीजन और नेशनलिज्म। और ये दोनों चीजें हैं क्या? ये दोनों चीजें हैं हमारी साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी, ताकि मैं किसी से आइडेंटिफाई कर सकूं, मेरा दिमाग जो है, जो मेरा मेरा माइंड जो है, मेरा जो ब्रेन है, मेरा मतलब हम सबका जो ब्रेन है, वो खाली नहीं रह सकता, क्योंकि वो खाली रहने से डरता है, इसलिए वो कंसेप्ट्स ढूंढता है, इसलिए वो आइडियाज ढूंढता है, क्योंकि खाली रहकर चीजों को फेस करना हमने कभी सीखा नहीं, किसी स्कूल में सिखाया नहीं जाता, काश सिखाया जाता हो। हमने ढूंढ ली, हमने वो साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी ढूंढ ली, जिसका कोई ना बेस है, ना फाउंडेशन है, कुछ नहीं है जिसका, और जो कन्फ्लिक्ट लाएगी ही लाएगी, वो है आपका नेशनलिज्म और रिलीजन। नेशनलिज्म वही ट्राइब्स की तरह, आप मॉडर्न तरीके से कह सकते हैं, मॉडर्न ट्राइब को मॉडर्न वो दे दिया, नाम दे दिया नेशनलिज्म।
राष्ट्रवाद, राष्ट्र को ऊपर लड़ाइयां हो रही हैं, राष्ट्र नेशन के ऊपर लड़ाइयां हो रही हैं, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, यूक्रेन रशिया से लड़ रहा है, रशिया यूक्रेन से, इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है, मर कौन रहा है, राष्ट्र मर रहा है या लोग मर रहे हैं, सोचो जरा ध्यान से, कौन मर रहा है, किसके मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, किसके मासूम इंसान मारे जा रहे हैं, मासूम महिलाएं मारे जा रही हैं, मासूम लोग मारे जा रहे हैं, पुरुष मारे जा रहे हैं, क्या यहां पर कोई देश मर रहा है? देश को कुछ नहीं हुआ, देश एक आइडेंटिटी है, एक नाम है, उसको कुछ नहीं हुआ, और जिसके लिए तुमने देश बनाया था वो लोग ही नहीं रहेंगे तो देश किस काम का? हम रिलीजन बनाना चाहते हैं, रिलीजन को लेकर एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, देश बनाना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ नहीं बनाना चाहते, कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, बनाना चाहते हैं जो, और जो नहीं बनने देना चाहते, वायलेंस होगा, लड़ाई होगी, युद्ध होगा, खून बहेगा, मासूम लोग मारे जाएंगे, लेकिन धर्म को कुछ नहीं होगा, ना नेशनलिज्म को कुछ होगा, लोग मारे जाएंगे, खून बहेगा लोगों का, धर्म अभी भी वही है, राष्ट्र अभी भी वही है, वही है, उसी नाम, वो नाम कभी नहीं मिटेगा, लोग मिट जाएंगे, लोग चले जाएंगे, अब तुम कहोगे कि यहां पर शांत माहौल में ये बातें करना बहुत आसान है, बिल्कुल मैं ये चीज एक्सेप्ट करता हूं कि ऐसे माहौल पर, शांत माहौल पर ये बात करनी बहुत आसान है, लेकिन जो जब सिचुएशन आती है उसके अकॉर्डिंग जब डिसीजन लेना, तब वायलेंस होता है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई सांड पागल हो गया है और वो लोगों को टक्करे मार रहा है, तो सांड को तो मारना पड़ेगा ही ना, यहाँ तो वायलेंस करना ही पड़ेगा, मैं अभी एनिमल्स की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल हाँ, और भी तरीके हो सकते हैं उसको बेहोश करने के, लेकिन एक्सट्रीम से एक्सट्रीम अगर स्टेप लिया जाएगा तो उस सांड को मारना पड़ेगा हमें, लेकिन मैं यहाँ अभी एनिमल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है यहां पर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रायोरिटी है, वो ह्यूमंस है, क्योंकि एक बार जब सारे ह्यूमंस, जिस दिन कोई भूखा नहीं सोएगा, जिस दिन कोई वायलेंस नहीं होगा, जिस दिन सब शांति से रह रहे होंगे, तब आया जा सकता है एनिमल्स पर, लेकिन जब ह्यूमंस ही ठीक ना हो, वही मर रहे हैं, वही भूखे मर रहे हैं, वही दिक्कत में तकलीफ में है, तो यहां पर एनिमल्स के बारे में बात करना एक बहुत बड़ा दोगलापन भी होगा। मान लीजिए कोई एक एक व्यक्ति पागल हो जाता है, एक साइको व्यक्ति, चाहे उसके अंदर आपने कोई टेररिज्म की दिमाग में फिलॉसफी भर रखी हो, या रिलीजन की, या नेशनलिज्म की, जैसी भी, और वो धड़ 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 गोलियां चलाता रहता है, चलाना स्टार्ट कर देता है, तो क्या उस टाइम पर उसको मारना ठीक है? क्योंकि ऐसे अगर उसको नहीं रोका गया तो फिर तो वो काफी लोगों को मार देगा, और अगर उसको मारा तो वायलेंस फिर से बढ़ गया, और वो भी लोगों को मार रहा है, वायलेंस तब भी बढ़ रहा है, यहां पर डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है, डलाइमा। तो आसान यही होगा कि जो टेररिस्ट है उसको ही मार दिया जाए, आसान तो यही होगा, लेकिन चैन फिर से स्टार्ट हो गई वायलेंस की, क्योंकि इस बार मारा जिसने है वो आइडियल है, गवर्नमेंट, वायलेंस एक बहुत बड़ी कमजोरी है, लोग जो बहुत कमजोर होता है ना वो करता है वायलेंस, जो अंदर से डरा हुआ होता है, जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके अंदर बदले की आग झुलस रही होती है, इसके अंदर नफरत
आ रही होती है। अब मुझसे ये मत बोलना कि रिलीजन में भी जो है वो मोहम्मद ने तलवार उठाई थी या फिर भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया था। मैं उसको भी लेकर तुम्हें उसको भी रैशनलाइज कर दूंगा, क्योंकि तुम क्या, हम सब रैशनलाइज करने में बहुत माहिर हैं। हम किसी भी चीज को कंसेप्ट बनाकर उसको रैशनलाइज कर देंगे, फैक्ट से भाग जाएंगे, फैक्ट से दूर चले जाएंगे। लेकिन हर एक चीज को मैं रैशनलाइज कर सकता हूं, मैं क्या, बल्कि हर एक आर्गुमेंट का कोई ना कोई रैशनलाइजेशन हो सकता है। मैं चाहता हूं तुम उस चीज को फ्री होकर देखो, बिल्कुल फ्री होकर, जैसी वो चीज है, एज इट इज उसका सामना करो। वायलेंस एक फैक्ट है, उस फैक्ट का एकदम सामना करो, उसको देखो जरा ध्यान से। लेकिन रिएक्ट तुमने जैसे ही कर दिया वायलेंस पर, तो तुमने उसका सामना नहीं किया, तुम उससे भाग गए, तुम उससे डर गए, क्योंकि तुमने रिएक्ट कर दिया। थोड़ी देर सामना करो, थोड़ी देर वायलेंस के साथ रहो जो तुम्हारे अंदर आ रहा है, जो उबाल बन आ रहा है, उसका सामना तो करो, थोड़ी सी हिम्मत तो लाओ, वरना कमजोरी तो सबके अंदर है ही। उठाओ हथियार और क्या। वायलेंस अगर हो रहा है, क्या ह्यूमंस कोई और तरीका नहीं निकाल सकते, ऑल्टरनेट तरीका नहीं निकाल सकते कोई, जिससे कि एक तरफ का जो वायलेंस है वो होना बंद हो जाए। दूसरी तरफ से हो रहा है, लेकिन एक तरफ से होना बंद हो जाए। तो जिस तरफ से होना बंद हुआ है, उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा, उसका कुछ असर पड़ेगा। फिर जब दोबारा कहीं वायलेंस होगा या इंस्पिरेशन जाएगी, मुझे पता है हर टाइम हर चीज़ एक नई होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंस्पिरेशन जाएगी, और वहां भी एक तरफ दोबारा से वायलेंस बंद हुआ धीरे धीरे बाद। मैं ये नहीं कह रहा ये बहुत तुरंत होने वाली चीज नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, समय लगेगा, धीरे धीरे ये मैसेज जाएगा। एक तरफ अभी वायलेंस नहीं है, एक टाइम आ जाएगा जब दो जगह पर ना तो ये वायलेंस करेगा ना ये वायलेंस करेगा, दोनों खत्म, वायलेंस रहेगा ही नहीं। इसमें समय लगेगा, इसमें पेशेंस है, इसमें इसमें आपका धैर्य काम आएगा, वरना तो फिर एनिमल्स की तरह तो हम चल ही रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, एक दूसरे को मारते काटते रहेंगे, खूने बहते रहेंगे, औरतें विधवा होती रहेंगी, मासूम लोग बच्चे मरते रहेंगे। फिर चाहे हम उसको रैशनलाइज करने के लिए कह दें कि हमने ये धर्म के बचाव के लिए किया है या राष्ट्र के लिए किया है या जो भी चीज़ों के लिए करा है, जो भी हमने साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी पाली हुई है अपने डर से, अपने खालीपन से बचने के लिए। अमृतपाल और धीरेन्द्र शास्त्री, ये तो जस्ट एक माध्यम है, जो विचारधारा है वो इनके पीछे कई सारे लोग हैं। ये उन सारे कई सारे लोगों का एक एक निचोड़ खड़ा होकर आ गया है। क्या किसी के अंदर इतनी हिम्मत है जो ये बात कह पाएगा, जो ये मैसेज स्प्रेड कर पाएगा कि नो, वायलेंस इज नॉट ए लास्ट ऑप्शन, वायलेंस एक लास्ट ऑप्शन नहीं है, बल्कि वायलेंस तो ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए किसी चीज का। क्या किसी में इतनी हिम्मत है, क्या किसी में इतना दम है, क्या किसी में इतना जोर है, क्या कोई अपने कॉन्शियसनेस के कंटेंट को खाली करके इसको अनबायस तरीके से देख सकता है। क्या एक तरफ से वायलेंस रुकेगा
आसान है बहुत, गुस्सा आया उस गुस्से में सब कुछ खराब कर देना बहुत आसान है। यहां पर मैं पॉइंट नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं धीरेन्द्र शास्त्री को पॉइंट कर रहा हूं, ना ही मैं अमृतपाल सिंह को पॉइंट कर रहा हूं। यहां बात है एक विचारधारा की, यहां बात है लोगों की डिससेटिस्फेक्शन की, कि उनके अंदर ये चीजें क्यों आ रही है। लोग आज ह्यूमैनिटी को छोड़कर जो फेक चीजें हैं, जो अनरियल चीजें हैं, जो इमेजिनरी चीजें हैं, उन पर भरोसा क्यों दिखा रहे हैं। इसमें हमारी तुम्हारी भी गलती है, गवर्नमेंट की भी गलती है। और बिल्कुल मैं उनको जज नहीं कर रहा हूं जो लोग वायलेंस करते हैं, मैं उनको जज नहीं कर रहा हूं, ना ही मेरी मेरी कोई ये जबरदस्ती है कि आप लोग जो मैं बता रहा हूं उसको समझो, उसको सोचने की कोशिश करो, नहीं। आपकी लाइफ है, आपको डिसीजन लेना है कैसे काम करना है, कैसे चीजें करनी है। मैं चाहता हूं एज अ ह्यूमंस हम कोई दूसरा तरीका निकालें, क्योंकि ह्यूमंस जो इंसान है वो कुछ भी कर सकता है, बस थोड़ा सा अपना आई अपना ईगो हटाना पड़ेगा। क्या थोड़ी देर हम शांत रह सकते हैं? धन्यवाद, थैंक यू।